नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। नज़र पाउने देश दुनिया की टॉप 10 खबरों ते। लद्दाख में सेना की टुकड़ी एवलांच की चपेट में आई एक सैनिक की मौत, तीन लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुछ दिन पहला बदल फटन के नाल सिक्किम में आई थी भारी तबाही, जिस भी सेना के तेज जवान हुए सन लापता, कई की हुई सी मौत। जम्मू कश्मीर में सेना के एनकाउंटर में दो अत्तवादी ढेर लश्करे तैयबा जुड़े सन। लिंक कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कतल में शामिल से एक अत्तवादी, इन्हों की पहचान मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक के रूप में हुई। राहुल गांधी बोले, मध्य प्रदेश बीजेपी RSS की लैबोरेटरी शहडोल में कहा इतने मरे लोगों का किया जाता इलाज, भाजपा आगू आदिवासियों से करते हैं पेशाब। बोले, जो जानवरों को नहीं खिलाया जाता वो सड़े अनाज दिता जाता थानू। राजस्थान में भाजपा ने 7 सांसदों को बनाया MLA प्रत्याशी। 119 स्विंग सीट से कड़ा मुकाबला, जिन्हों में दिया कुमारी करोड़ी लाला मीणा समेत 5 सांसदों को उतारा गया मैदान में। इस दिन कांग्रेस ने भी राज्यसभा विधानसभा चुनाव लेकर खींची तैयारियां। राजस्थान में 14 अक्टूबर के बाद हो सकती है बारिश, 2 जिलों में नए सिस्टम का देख सकता है असर, फिर बदल लगेगी सर्दी। वर्तमान में उत्तर भारत में जो वैस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है उसके असर नाल जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब में हो रही है रात की बारिश। हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद, बोले घरों के उपर हटाई जाएंगी बिजली दी लाइनां, 9 साल में घट बजट में होया ज्यादा विकास। उत्तराखंड में हादसे में जान गवाउण वाले 7 जणे नूं श्रद्धांजलि देण दे नाल हुई जनसंवाद की शुरुआत। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के 50 किसानों को दिया लंच द इनविटेशन। एक किसान 13 अक्टूबर को नवे संसद भवन जाएंगे। सूबे के खेतीबाड़ी मंत्री GP दलाल इन्हां किसानों के प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਰੂਕ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਅਵਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਯਾਚਿਕਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ STFB ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ 5 ਮਾਮਲੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ, 6 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, 2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ।